अब पता तुम लोग क्या सोच रहे हो, अभिषेक ठीक है भाई तू कॉमेडी करता पर ये शो ऑफ करने के लिए दो दो घड़ियां पहन रखी हैं। देखो यार शो ऑफ नहीं है, मतलब दोनों गिफ्ट है। एक गर्लफ्रेंड गिफ्ट दिया पापा ने, समझ नहीं आ रहा किसमें टाइम देखे, किसको डिच करूं मैं, मतलब और दोनों में टाइम दे सकते, टाइम वेस्ट करना कहते हैं उसको, अनलेस दोनों अलग टाइम हो रहा हूं, मतलब कि मैं 7:59:59 पे टाइम देखूं, मैं कहा अच्छा 8 बनने में टाइम है अभी, वो 8 बज गए। तो मैं सोचा दोनों छोड़ो अपनी घड़ी में टाइम देखें। तुम पता है इस जोक के लिए एक महीने से ये पैंट पहन रहा हूं, पता कितनी बदबू आ रही। मास्क शुगर है, मास्क पहना है तुमने, हुआ पर नहीं, ये हर बात पे आर्टिकल लिख देते हैं। यह थोड़े दिन पहले क्या हुआ, मुंबई में जॉन अब्राहम कहीं मूवी देखने या करने जो भी गया होगा, नहीं ये जोक हुआ, कोई नहीं हंस लो, फ्री की सारी हंसी चलेगी मुझे, जितनी मिली कम है। तो मूवी देख के बाहर आ रहा था, जो तो बहुत सारे फैन आए, उन्हीं फैन में से एक लड़की आई और जॉन अब्राहम के ऊपर कूद गई कि ओ जॉन तू चाहिए मुझे, तू चाहिए, क्या डोला है जॉन, लगता है रोज जिम जाता है तू। तो जॉन अब्राहम की सिक्योरिटी आ गई, ओए जॉन पे नहीं चढ़ सकते ऐसे, उतरो जॉन से, भाग जो यहां से, चले आते सुबह सुबह जॉन पे चढ़ने, कोई जॉन पे नहीं चढ़ेगा। तब उस बंदे ने आर्टिकल लिख दिया, If a man would have done that to a woman, would the society accept it in the same way? Why can't men do that? Hashtag, men are human too. सुने आपने बात उसकी? ये पूछ रहे हैं, why can't men do that? मतलब इसको right भी molestation का चाहिए। ये नहीं कि लड़की ने गलत किया है, ये कि हमारे जुगाड़ करो कुछ, हैं? करो कुछ यार, झपटना तो हमें भी होता है। फिजिकल हेल्थ के लिए जिम जाते हैं ना, मैं तो वहां भी जाता, दिख ही रहा होगा, मैं गया था पिछले साल गया था, मैं कहा सुनो एप्स चाहिए, कह रहे मिल जाएंगे। मैं कहा 6 बांध दो फिर मिल जाएंगे, तो बैच ये का तरीका बात करने का। By the way, अब तो तुम्हें पता है पैंडेमिक में सारे स्पोर्ट्स बंद हो गए थे, लाइक क्रिकेट भी बंद हो गया था, और मैं तो क्रिकेट, मेरे लिए तो मैं 10 साल पहले क्रिकेट देखना छोड़ दिया था आज से, मैं कहा यार वो खेल रहे हैं हमें क्या। हमें को मुझे क्रिकेट ही ऐसा स्पोर्ट देखना होगा तो मैं ग्राउंड में आके बच्चों को देख लूंगा, वो ज़्यादा एंटरटेनिंग है, वो आउट होता है बैट्समैन बैट ले घर चल जाता है। ये हुई ना बात, जिस दिन विराट कोहली स्टेडियम में अपनी मम्मी बुला लाया, मैं देख रहा हूँ क्रिकेट बाप। पर मुझे पता नहीं था कि क्रिकेट के रूल्स अब चेंज हो गए हैं, अब थर्ड अंपायर को भी खिलाते हैं, पहले नहीं खिलाते थे उसे, पहले उसे सिर्फ रनआउट के टाइम पे याद करते थे, बाकी टाइम वो बोर ही होता रहता था, दोस्तों फोन कर रहे हैं बात कर लो मुझसे यार, यार कभी तुम भी फोन कर लिया करो, हर बार मैं तो मैं ही लगाऊँ, अच्छा यार तो अच्छा नहीं लगता ऐसे बार बार, ऐसा लग रहा है मैं चेप हो रहा हूँ। अब नहीं है ऐसा, अब चले जाते हैं थोड़ा अंपायर के पास, थोड़े दिन पहले मैं गलती से मैच लगाया, उसमें बॉलर आया, बॉलर ने बॉलिंग कराई और LBW की अपील की ये ग्राउंड अंपायर से कि आउट आउट, आउट नहीं था, क्लियर आउट था भाई, दे दे आउट ही, हाथ नहीं लगा, आउट नहीं था, थर्ड अंपायर से पूछो मैच, उन्होंने थर्ड अंपायर से पूछा, थर्ड अंपायर ने बोला आउट नहीं है। मैं वो ग्राउंड अंपायर होता ना, मैं चिढ़ जाता इस बार, मेरे ईगो पे लग जाती है बात, अगली बॉल पे वो बोल्ड करता मैं चौका दे देता, बोल्ड था आपने चौका के दे, हमें क्या पता भाई उनसे पूछो। वो है बड़े साहब, हम तो धूप फेंकने आते हैं यहाँ, नाम की टोपी पहनी है बस, मूंगफली पड़ी इसमें खा लो यार।
थोड़े दिन पहले मैं एक बैंक में गया अपने दोस्त के साथ, एंड देयर वाज अ गर्ल सिटिंग ऑन अ चेयर एंड शी गोज कैन यू पास मी ग्लास ऑफ वाटर. श्योर, ये लो जी. मैं दोस्त कहता क्या था ये. मैं क्या हुआ. कह रहे क्यों दिया पानी तूने उसको. मैं कहा अरे अरे क्यों, अब नहीं होती वुमेन इक्वालिटी. हाँ खुद नहीं लेता पानी, सड़की ना मर्द की जरूरत पड़ेगी ना फाइनली. मैं कहा हैंडीकैप्ड है वो यार. कह रहा है भाई ये सब बहाने, खुद भी तो लेती होगी ना पानी. मैं कहा ये कोई बहाना नहीं, फिजिकल डिसेबिलिटी कोई बहाना नहीं. यू कांट यूज दैट, यू कांट लाइक कॉल अप योर बॉस इन द मॉर्निंग, हेलो सर मैं ऑफिस नहीं आ रहा. सर एक तो मेरा गला बहुत खराब है और दूसरा आज आज पैर भी नहीं है. हाँ सर कल वो पार्टी में गया था ना, तो नाश्ते नाश्ते वहीं कट गए सर. नहीं सर वो उस टाइम पता ही नहीं लगा, वो सुबह चप्पल के लिए जब बेड से उतर रहा था ना तब सीधे मुंह के बल गिर गई. नहीं सर आज बिल्कुल पॉसिबल, आज एक्चुअली सर बहन भी अंधी है ना इसलिए हो नहीं पाएगा. दिखाया डॉक्टर को, दिखाया सर उसने फीटोमाइसिन दी. सुबह लगाई थी क्रीम तो दो तीन उंगलियां तो वापस आ गई हैं. पूरा पैर होते मैं ऑफिस आ जाऊंगा पक्का वापस. जनरल लोग केयरलेस ही होते हैं, लाइक एडल्ट्स काफी केयरलेस हैं. अभी भी हम लोग सब खाना खाते टाइम खाना गिरा देते हैं और हमारा फिर ठीक है. बुड्ढे लोग खाना गिरा देते हैं. बुड्ढे लोग, उनका तुम, तुमने जीवन में कम से कम 1.5-2 लाख बार खाना खा लिया और कितनी प्रैक्टिस चाहिए तुम्हें. और तुम किस कॉन्फिडेंस से किसी को कोई एडवाइस देते हो. बेटा देखो लाइफ में क्या होता है, मैं छाती पे राजमा गिरे हूं. ठीक है लाइफ में क्या होता है. सच में मुझे सफाई बहुत पसंद है. मेरे एक दोस्त है मेरे घर आया था एक बार, कमेडियन ही है, करुणेश तलवार जानते हैं उसको. हाँ तो कमेडियन अच्छा बनता, बहुत फुद्दू है. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आदमी, उसका शो मत जाना. तुम सच में तुम सेल्फी के सामने जाओगे ना पीछे तो बटुआ मार लेगा तुम्हारा. क्या था कमेडियन घूम रहे हैं मार्केट में. एक दिन मेरे घर आया था, मेरे घर आके मेरे तकिया पे बैठ गया. तकिया पे घर में बैठा जिस पे तकिया रखा है, जिस पे मैं रात को मुंह रख के सोता हूँ. इसने वहीं जाके अपनी गांठ टिका दी. हाँ भाई हाँ बोलो अभिषेक. मैं कहा बच्चों मुंह पे बैठ जाना मेरे, इसे सिर्फ मेरा मुंह गंदा होगा. और जैसे ही वो तकिया बैठे ना मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया. उसके बाद में किसी में इंटरेस्टेड नहीं, इरिटेट हो रहा हूँ हर बात से. वो लगा कह रहे हैं मम्मी की तबीयत आजकल यार बहुत खराब है. मतलब नहीं उससे, जो भी है अच्छा खराब हो जाए यार. तू तकिया से उठ पहले. थोड़े बाद मुझे कहता है कि कुछ खाने को है. मैं कहा हाँ पापड़ है खाने को है. कह दे मैं पापड़ दिए. पापड़ खाने नहीं आते उसे, या किसी और के घर गए आप ऐसे क्रंची चीज़ है आप नीचे हाथ रख लेते हो ना कि नहीं, या टिश्यू मांग लिया प्लेट डिसेंसी मतलब नहीं. तकिया बैठ के आंखों में घूर के पापड़ खा रहा. हाँ बोलो पन्ने. और पापड़ का एक एक टुकड़ा मुझे ऐसे उड़ता हुआ दिख रहा था बेड पे गिरता हुआ सीधा. ये बंदा कल मर जाए दुखने में. तो मुझसे रहा नहीं गया. तो 2 मिनट बाद मैंने कहा सुनो पापड़ वापस कर. पापड़ लिए, इसका चूरा बना दिया और अपने ही बेड पे फेंक दिया. खरे क्या कर रहा है. मैं कहा मेरा जो डर था ना वो खत्म हो गया, अब वो टाइम गया, लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ. बात तेरी मम्मी की तबीयत का क्या सीन है बता. और बता यही तरीका है मेरा डर से रील करने का. जिस चीज का वो डर लग रहा है कहीं सच ना हो जाए वो खुद ही सच कर दो, ताकि डरने में टाइम ना वेस्ट हो. मैं सबके डर ऐसे दूर करता हूँ सच में. मेरा एक दोस्त था उसको बहुत डर था रोड एक्सीडेंट का. अब वो नहीं है इस दुनिया में, पर ना उसका डर है तो मतलब इट वर्क्ड. नहीं ऐसी ये फिलोसफी हर जगह नहीं. ऐसी मेरी मुझे एक मेरी गर्लफ्रेंड थी बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत ही बढ़िया. मैं कहा ये लड़की बहुत सही है यार, ये नहीं मिलने वाली. डर लग रहा था ब्रेकअप ना हो जाए, ब्रेकअप कर लिया.